तो ये मैंने और क्वेश्चन शायद लिख दिए हमारे सेम शिफ्ट के, ठीक है। तो क्वेश्चन है 14th, नोवेस्ट्रोल कैन रिएक्ट विद फॉलोइंग रिएजेंट। तो नोवेस्ट्रोल का मैंने डायग्राम बना रखा है आपके लिए, ये नोवेस्ट्रोल का डायग्राम है, आपको याद रहना चाहिए वैसे डायग्राम, ठीक है, वैसे मैंने बना दिया है। किसके साथ रिएक्ट कर सकता है, तो सोचो ये रिएजेंट है कहाँ कहाँ रिएक्ट करते हैं। तो देखो ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर कहाँ रिएक्ट करता है, तो ब्रोमीन वाटर दो जगह रिएक्ट करता है, Br2H2O। एक तो फिनॉल में रिएक्ट करता है, याद करो फिनॉल में रिएक्ट करके ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाता है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल बनाता है ना, और साथ ही साथ ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में भी रिएक्ट कर सकता है। तो देखो यहाँ पर फिनॉल भी दिख रहा है हमें, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में भी दिख रहा है, तो मतलब ये रिएक्ट करेगा, ठीक है। HClZnCl2 लुकास रिएजेंट होता है, लुकास रिएजेंट कहाँ रिएक्ट करता है, HClZnCl2 कहाँ रिएक्ट करता है, जो हमारा एल्कोहल होगा, याद कर रहे हो 3 डिग्री एल्कोहल में इंस्टेंट टर्बिडिटी मिलती है, 2 डिग्री में 5-10 मिनट के बाद मिलती है, मतलब HClZnCl2 कहाँ रिएक्ट करेगा, जहाँ एल्कोहल होगा। तो कंपाउंड में देखो क्या एल्कोहल प्रेजेंट है, तो यस दिस इज योर एल्कोहल, इसको मत बोलना ये आपका क्या है फिनॉल ग्रुप है, ये हमारा एल्कोहल है, तो एल्कोहल प्रेजेंट है, तो मतलब HClZnCl2 के साथ भी ये रिएक्ट करेगा, ठीक है। थर्ड है I2OH, आइडोफॉर्म टेस्ट है। आइडोफॉर्म टेस्ट कहाँ यूज करते हैं, जहां C डबल बॉन्ड O के एक तरफ क्या मिल जाए, CH3 ग्रुप मिल जाए, वहां हम आइडोफॉर्म टेस्ट लगाते हैं। पर यहाँ एक्चुअल में C डबल बॉन्ड O जो कार्बोनिल ग्रुप है वही प्रेजेंट नहीं है, तो वो प्रेजेंट नहीं है तो आइडोफॉर्म टेस्ट ये नहीं देगा ये वाला कंपाउंड। और लास्ट है न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। तो न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट कौन देते हैं, न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट कौन देता है, वॉलेट कलर का कंपाउंड मिलता है आपको, कौन देते हैं, फिनॉल्स देते हैं, फिनॉल के अंदर पड़ा है तो फिनॉल हमें दिख रहा है, ये आपका पूरा फिनॉल दिख रहा है, तो मतलब फिनॉल भी प्रेजेंटेड और न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट भी इसमें मिलेगा, तो हमारे आंसर हो जाएंगे इसमें AB और D, ठीक है। या फिर हो सकता है ऐसा कोई ऑप्शन हो जिसके अंदर ये तीनों के तीनों ऑप्शन गिवन हो, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लेना आप लोग के ऑप्शन में क्या क्या गिवन है, ठीक है। तो हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चन काफी टाइम से अभी चले हैं, क्वेश्चंस पिछले साल भी पूछे गए थे, तो हो सकता है आपके जो बाकी पेपर बचे हैं 4, 5, 6 को जो पेपर होना है उसमें कंपाउंड दूसरा आ जाए और पूछ ले कौन कौन सा सेम क्वेश्चन रहेगा, कौन कौन से रिएजेंट के साथ रिएक्शन होती है। तो बस आपको स्ट्रक्चर अगर बताया तो काम बहुत आसानी से हो जाएगा, और बस ये पता रहना चाहिए कि रिएजेंट कहाँ पर रिएक्शन देते हैं, ठीक। चलो 14th हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट विल शो जेल्डाल टेस्ट। तो जेल्डाल टेस्ट कौन सा देगा, ओके तो हमारे पास चार, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब इनके पहले प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे हमें, चलो पहले प्रोडक्ट बनाते हैं। LiLH4 ए है, बी है क्या NH2 NaNO2 HCl, सी है आपके पास CH2CN SnCl2 HCl, और D है आपके पास CnH2Na, ठीक है। तो आपसे बोल रहा है इनमें से जो प्रोडक्ट बनेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट विल नॉट शो जेल्डाल टेस्ट, कौन सा जेल्डाल टेस्ट नहीं देंगे, ठीक है। जेल्डाल टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है, जो जेल्डाल जो हमने वहां लिखा हुआ है मतलब जो एग्जाम में आया हुआ है जेल्डाल टेस्ट किसके लिए यूज करा जाता है, नाइट्रोजन के लिए टेस्ट किया जाता है, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन के लिए ये टेस्ट का यूज किया जाता है, ठीक है। तो जहां पर भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है वो हमारे जेल्डाल टेस्ट देते हैं, एक्सेप्ट ध्यान रखना, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड ये जेल्डाल टेस्ट देते हैं एक्सेप्ट अगर NO2 ग्रुप होगा ये जेल्डाल टेस्ट नहीं देगा, और जो हमारी कोई रिंग है, सपोज आपने पाइरिडीन सुना है, कोई सी भी आपके पास रिंग होगी, समझ लो कोई सी भी आपके पास रिंग होगी, अगर रिंग के अंदर जो नाइट्रोजन है अगर वो उस रिंग का पार्ट है, नाइट्रोजन क्या है उस रिंग का पार्ट है, मतलब यहाँ कार्बन होना चाहिए था पर कार्बन नहीं है, उस रिंग का पार्ट अगर नाइट्रोजन है वो भी जेल्डाल टेस्ट नहीं देगा, और एजो ग्रुप्स, एजो मतलब जानते हो तुम नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो ट्रिपल बॉन्ड हो, तो एजो ग्रुप्स जेल्डाल टेस्ट नहीं देते हैं, ठीक है। बाकी इनके अलावा कहीं पर भी नाइट्रोजन ग्रुप अगर आपको मिले तो वो हमारे जेल्डाल टेस्ट देगा, क्लियर हो गया इतना, ठीक है। तो जेल्डाल टेस्ट कौन कौन से नहीं देते हैं, नाइट्रोजन, वैसे जेल्डाल टेस्ट यूज करते हैं हम नाइट्रोजन की आइडेंटिफिकेशन के लिए कि नाइट्रोजन प्रेजेंट है कि नहीं है, बट इन कंपाउंड्स के अंदर जेल्डाल टेस्ट नहीं मिलता है, NO2 में भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है पर नहीं मिलता, रिंग होगी और रिंग का पार्ट अगर नाइट्रोजन होगा यहां भी नहीं मिलता, और एजो कंपाउंड के अंदर भी नहीं मिलता है, ठीक है। तो चलो पहले प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा CH2 NH2 हो जाएगा। तो देखो यहाँ NH2 प्रेजेंट है,
कोई है नहीं तो मतलब ये जल्दार टेस्ट देगा। NaNO2HCl क्या देगा, ये तो पता ही आप लोग को, डायजोनियम सॉल्ट देगा N2+Cl-। तो डाई एजो, एजो ग्रुप आ गया, मतलब ये जल्दार टेस्ट नहीं देगा। SnCl2HCl क्या करता है, ये याद करो CN को किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। CN को किस में कन्वर्ट करता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है SnCl2। यहाँ तो नाइट्रोजन है ही नहीं तो ये भी नहीं देगा, और इसमें रिडक्शन होगा, CN के रिडक्शन से क्या बन जाएगा, CH2NH2। तो यहाँ पर भी NH2 ग्रुप आ गया, ये भी देगा। मतलब इस बार फर्स्ट और डी के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो फर्स्ट का प्रोडक्ट होगा और डी का प्रोडक्ट होगा, ये हमारी जलडाल रिएक्शन देंगे, ठीक है। बाकी प्रोडक्ट्स जलडाल रिएक्शन नहीं देंगे। तो आपको ध्यान रखना है नाइट्रोजन के लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए हम इसका यूज करते हैं, और ये वाले ग्रुप्स जलडाल टेस्ट नहीं देते, ठीक। सॉरी क्लियर हो गया इतना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 बोल रहा है विच मेथड इज यूज्ड फॉर द सेपरेटिंग ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंडलेन सोप इंडस्ट्री। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन का क्वेश्चन उठाया हुआ है, ठीक है। जनरल जीओसी के अंदर हमने बात करी हुई है इसके अंदर, जब हमने प्यूरिफिकेशन के मेथड सीखे थे। कौन सा होता है, सिंपल है, वैक्यूम डिस्टिलेशन। एकदम सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, वैक्यूम डिस्टिलेशन, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, ठीक है। हो सकता है ऑप्शन में ये भी गिवन हो सकता है, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, ठीक है। डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर बोलो, वैक्यूम डिस्टिलेशन बोलो, सेम चीज़ है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो ऑप्शन हमारा सामने है वैक्यूम डिस्टिलेशन, ठीक है। डायरेक्टली हमें पता है वैक्यूम डिस्टिलेशन कहाँ पर यूज करता है, उन कंपाउंड्स के लिए करता है जिनका बॉइलिंग पॉइंट होता है ज़्यादा, पर वो अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले क्या हो जाते हैं, दूसरे में डिकम्पोज हो जाते हैं, समझ लो। जैसे सपोज ए है, ए का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, ए का बॉइलिंग पॉइंट है सपोज 300 डिग्री सेल्सियस, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ए का बॉइलिंग पॉइंट 300 डिग्री सेल्सियस। तो ये वेपर कब बनेगा, इसका डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होता है, पहले लिक्विड को वेपर में बनाओ, फिर दोबारा कंडेंस करके लिक्विड बनाओ, ये तो प्रोसेस होता है ना। पर सोचो ए के जो वेपर बनेंगे 300 डिग्री सेल्सियस में वेपर बनेंगे, पर एक ही एक और प्रॉपर्टी है, एक ही क्या प्रॉपर्टी है कि वो अगर 200 डिग्री सेल्सियस में जैसे ही पहुंचेगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट इनटू बी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सोचो इसके वेपर्स बनाने थे मुझे ए के, और प्रोडक्ट में भी क्या चाहिए, ए चाहिए, पर इसके वेपर कितने में बन रहे हैं, 300 डिग्री सेल्सियस में बन रहे हैं, पर 200 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, अगर ए को हमने गर्म करा 200 डिग्री सेल्सियस जैसे ही पहुंचा, ए किस में कन्वर्ट हो गया, बी में कन्वर्ट हो गया। तो भाई अब तो ए रहा ही नहीं, अब ए रहा ही नहीं है, तो भाई प्योर किसको करोगे। हमारा टारगेट ये था कि ए को प्योर करना, पर प्योर कितने में होता है, वो 300 डिग्री सेल्सियस में होगा, जब वेपर बनेंगे तभी तो जाके डिस्टिल होगा, समझ लो, मतलब कंडेंस होगा, पर वो 300 पहुंचा ही नहीं, 200 में पहुंचने के साथ साथ वो दूसरे कंपाउंड में डिकम्पोज हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे टाइप के कंपाउंड्स के लिए हम वैक्यूम डिस्टिलेशन या फिर डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर का यूज करते हैं, जो क्या होता है, अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले क्या हो जाए, दूसरे कंपाउंड में डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इसी का एग्जांपल है जिसको हम वैक्यूम डिस्टिलेशन या फिर रिड्यूस्ड प्रेशर डिस्टिलेशन बोल सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है आपका विच इज द मोस्ट सेंसिटिव टू न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो ये तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, अगेन जनरल प्रैक्टिस के अंदर बहुत बार करा रखा है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहाँ होता है, इन टाइप के एल्डिहाइड्स कीटोन्स के अंदर न्यूक्लियोफिलिक, या फिर सिंपल कहो कार्बोनिल ग्रुप के अंदर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। और सिंपल सिंपल सी कंडीशन है, जो ग्रुप होने चाहिए यहाँ पर क्या होने चाहिए, लेस बल्कि ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए, लेस बल्कि ग्रुप होना चाहिए, लेस बल्कि ग्रुप होना चाहिए। तो देख लो CO ग्रुप सभी में दिख रहा है, CO, C वाला क्या है, CH3, COH ये है C वाला, और D वाला क्या है, CH3, ये तो देख लो लेस बल्कि ग्रुप कहाँ दिख रहा है, तो इसी में दिख रहा है, दोनों तरफ, एक तरफ CH3 एक तरफ H है, इसमें क्या है CH3 है, और इसमें और बल्कि हो गए, समझ लो। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, ये वाला। अगर बाय द वे HCHO होता तो वो और ज्यादा रिएक्टिव होता, HCHO, क्योंकि देखो और लेस बल्कि ग्रुप आ गए। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की कंडीशन ये है, जितने कार्बोनिल ग्रुप के चारों तरफ लेस बल्कि ग्रुप जुड़े होंगे उतना क्या होगा, वो स्ट्रॉन्गली रिएक्टिव होगा टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दो हैवियर ग्रुप जुड़े हैं, अगर मैं इसका ऑर्डर बनाऊं तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, सी होगा, सी के बाद कौन होगा, डी, डी के बाद बी, और बी के बाद क्या होगा, ए होगा। अगर इसका ऑर्डर देखेंगे तो ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि ग्रुप की बल्किनेस बढ़ते जा रही है, ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहे हैं,
क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है स्मॉलेस्ट ऑप्टिकली एक्टिव एल्कीन में H2 डाल रहे हैं, ए मिल रहा है और ए में फिर Cl2 डाल रहे हैं, बी मिल रहा है, क्या करवा रहे हैं, क्लोरीनेशन करवा रहे हैं। आपको बोल रहा है हाउ मेनी मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ऑप्टिकली एक्टिव एल्कीन पकड़नी पड़ेगी। तो सिंपलेस्ट ऑप्टिकली एक्टिव एल्कीन कौन सी होती है, ये वाली रहेगी, ये तो नहीं रहेगी, यहां पर क्या रहेगा CH3 तो नहीं रहेगी, तो क्या हो जाएगा एक और कार्बन लगाना पड़ेगा। तो यस, तो ये हमारी सबसे पहले सिंपलेस्ट ऑप्टिकली एक्टिव एल्कीन है। तो ये वाला कार्बन देखो ऑप्टिकली एक्टिव मतलब कायरल कार्बन, तो देखो चार अलग ग्रुप से जुड़ा है, यहां पर CH3 है, H बना लेते हैं, एक तरफ CH3 एक तरफ CH2 एक तरफ H है और एक तरफ ये डबल बॉन्ड दिख रहा है। ठीक है, तो एल्कीन भी और सिंपलेस्ट है, इसके बाद बाकी एल्कीन होते रहेंगे। ठीक है, तो ऑप्टिकली एक्टिव है, इसमें क्या करा रहे हो H2 डाल रहे हो, तो H2 डालोगे तो पता है तुम्हें डबल बॉन्ड क्या दे देगा, वो C2H5 हो जाएगा, और डबल बॉन्ड में क्या हो जाएगा H2Ni डाल रहे हो ना, तो एडिशन हो जाएगा, H एक यहाँ आ जाएगा एक यहाँ आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा एल्केन बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कंपाउंड बन गया। अब इसमें करा रहे हैं क्लोरीनेशन, इसमें क्या कराएंगे क्लोरीनेशन। अब देखो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ये तो ऑप्टिकली एक्टिव है, बट दिस इज नॉट एन ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि इस कार्बन के इधर भी C2H5 ग्रुप जुड़ गया, इधर भी C2H5 ग्रुप जुड़ गया, समझ लो। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन से होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन कौन सा होता है जो चार डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हो, पर यहां पर इस कार्बन अभी जो ये वाला कार्बन देख रहे थे ना, यहाँ पर तो एक ग्रुप दो ग्रुप तीन ग्रुप चार अलग ग्रुप है, पर यहां पर ये वाला ग्रुप C2H5 और ये भी तो भाई C2H5 है ना, ये दो ग्रुप सेम आ गया है, तो मतलब इट इज नॉट एन ऑप्टिकली एक्टिव ग्रुप। ठीक है, अब इसमें करा रहे हैं क्लोरीनेशन, तो क्लोरीनेशन करेंगे तो देखो क्या क्या प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, क्लोरीनेशन करेंगे तो क्या क्या मिल सकता है हमें, तो क्लोरीन यहां भी जुड़ सकता है, यहां भी यहां भी यहां भी, अच्छा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो सेम ही है, समझ लो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो सेम है, तो सोचो क्लोरीन ऐड करेंगे तो कहां का मिल सकता है, चलो पहले यहां से स्टार्ट करते हैं, क्लोरीन यहां मिल सकता है, एक तो CH2C, ये C2H5 हो गया, ये C2H5 हो गया, और यहां क्या मिल गया, एक क्लोरीन मिल गया, ये पॉसिबल है। एक और क्या पॉसिबल है, क्लोरीन उठ के यहां मिल सकता है, यहां पर मिले, या देखो इस C2H5 को ऐसा लिख दूं मैं CH2CH3, तो चाहे यहां पर मिले चाहे यहां पर मिले, ये दोनों पॉइंट एक ही है ना, देखो ये वाली पोजीशन भी एक दो तीन, समझ लो ये मतलब चाहे यहां मिले चाहे यहां मिले, बात एक ही रहेगा, प्रोडक्ट एक ही रहेगा, तो एक प्रोडक्ट ये वाला बना देता हूं CH3CH CH2CH3 और ये हो गया CH2 और यहां क्या हो गया CH2 और यहां क्या मिल गया Cl मिल गया। ठीक है, अब एक बार क्लोरीन यहां भी मिल सकता है और यहां पर मिले चाहे यहां पर मिले, ये दोनों पोजीशन सेम है, समझ लो ये सेम क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखो ना एक दो तीन जो ज्वाइंट वाला कार्बन है, यहां से भी दो कार्बन है यहां से भी दो कार्बन है, अब तुम यहां बनाओ चाहे यहां बनाओ नाम तो सेम आएगा, सिमिलरली चाहे यहां बनाओ चाहे यहां बनाओ नाम सेम आएगा, तो चलो एक यहां बन सकता है, यहां बना देते हैं CH3CH CH2CH3CH CH3 और इस बार क्लोरीन यहां मिल गया, और एक पॉसिबिलिटी है क्लोरीन यहां मिल जाए, हो गई एक दो तीन चार, ये चार पॉसिबिलिटी होगी, यहां ये दोनों वाली पॉसिबिलिटी ये दोनों वाली, ये दोनों सेम है। ठीक है, तो क्लोरीन को उठाओ यहां जोड़ो, क्या बनेगा CH3CH हो जाएगा, इसको C2H5 लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए, यहाँ क्या जोड़ देता हूँ क्लोरीन और इसको भी क्या लिख देता हूँ H हट जाएगा यहाँ से C2H5। ठीक है, तो ये हमारे चार प्रोडक्ट बन जाएंगे अगर हम मोनोक्लोरीनेशन करें तो। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोल रहा हाउ मेनी मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, ठीक है यहाँ पर पूछ बोल नहीं रहा है, केवल बोल रहा है कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो ये चार मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स बन जाएंगे हमारे, एक दो तीन चार। अच्छा एक चीज का ध्यान रखना, हो सकता है क्वेश्चन के अंदर पूछ ले कि स्टीरियो आइसोमर्स को इंक्लूड करो, ठीक है, तो स्टीरियो आइसोमर्स को अगर इंक्लूड करने का क्वेश्चन आ जाएगा तो जरा देखो ध्यान से, स्टीरियो आइसोमर्स किस किस में पॉसिबल है। ठीक है, तो देखो इसमें तो पॉसिबल नहीं है, स्टीरियो आइसोमर्स कहां पॉसिबल होते हैं, जहां पर कायरल सेंटर होगा, तो कायरल सेंटर यहां तो नहीं है, पर यहां पर दिख रहा है आपको कायरल सेंटर, यहां पर आपको दिख रहा है ना कायरल सेंटर, कौन सा, ये वाला, यहां पर अगर जोड़ोगे तो देखो यहां पर एक ये वाला ग्रुप है, एक ये वाला ग्रुप है, एक ये वाला ग्रुप और चौथा क्या हाइड्रोजन, मतलब यहाँ एक कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर होने के कारण कितनी कॉन्फ़िगरेशन होती है, दो कॉन्फ़िगरेशन RS, तो यहां पर दो कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है RS, समझ लो। वैसे लो चार आंसर आ गया, पर अगर इन केस क्वेश्चन के अंदर ये गिवन हो कि स्टीरियो आइसोमर्स बताओ, स्टीरियो टोटल आइसोमर्स बताओ, क्या आपसे आ जाए टोटल प्रोडक्ट्स बताओ इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, टोटल प्रोडक्ट्स बताओ इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, बाय द वे ऐसा क्वेश्चन हो यही क्वेश्चन में,
वैसे हमने, चलो ये सब बता देता हूँ, वैसे हमने बता दिया कितने प्रोडक्ट होंगे हमारे पास, 4 प्रोडक्ट्स होंगे, बट मैं बोल रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन ऐसा हो, बाय द वे टोटल प्रोडक्ट बताओ इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था आपको ये बस मैंने स्टूडेंट से कलेक्ट करे हैं क्वेश्चंस, तो अभी एक्यूरेट क्वेश्चंस नहीं पता है, पर यहाँ ही इसी टाइप का क्वेश्चन है इतना मुझे पता है, ठीक है। तो हो सकता है आपसे पूछा गया हो इसमें टोटल प्रोडक्ट बताओ इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, क्योंकि ये थोड़ा एक अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे बनेगा, तो देखो जरा यहाँ पर तो कोई कायरल नहीं है, तो ये तो इसको एक ही काउंट करेंगे। यहाँ पर जब देखोगे तो देखो एक कायरल सेंटर ये है, क्योंकि चार डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा है, 1, 2, 3 और एक ही 4 बता रखे, तो 4 डिफरेंट ग्रुप होने से इसके कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, 2 प्रोडक्ट मिलेंगे आर एस कॉन्फिगरेशन के अकॉर्डिंग, तो इसके 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। इसमें जरा देखो कितने कायरल सेंटर है, तो एक कायरल सेंटर ये वाला हो गया आपका, एक कायरल सेंटर ये वाला हो गया, तो देखो 2 कायरल सेंटर है इसमें, एक ये वाला भाई, एक ये वाला ग्रुप, दूसरा ये बड़ा वाला, तीसरा ये CH3 और चौथा हाइड्रोजन ग्रुप। सिमिलरली ये वाला एक ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ये बड़ा वाला और चौथा हाइड्रोजन ग्रुप। ये होता है ना ऐसा कार्बन जो 4XYAB जो 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा होता है, उसी को हम कायरल कार्बन बोलते हैं। तो यहाँ पर 2 कायरल सेंटर हैं, और अगर 2 कायरल सेंटर हैं तो हमारे कितने होंगे, तो इसके 2n फॉर्मूला मैंने सिखाया था आपको, कितने इसमें पॉसिबल होंगे, 4 आइसोमर्स पॉसिबल हैं, 4 इसमें एनेंशियोमर्स बन जाते हैं, 4 एनेंशियोमर्स पॉसिबल हैं। और इसमें देखो इसमें क्या कोई कायरल है, तो नहीं है कायरल, क्योंकि ये दोनों ग्रुप सेम आ गए, तो इसके लिए एक ही पॉसिबल है, ठीक है। आगे बात समझ में, इसके लिए कितना पॉसिबल है, केवल एक ही पॉसिबल है, क्योंकि ये दोनों क्या बन गया आपस में, ये दोनों देखो सेम ग्रुप है, ये C2H5 C2H5, मतलब यहाँ पर कायरल नहीं है। तो अगर इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स पूछा जाए तो टोटल कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगे, इसका 1, इसके 2, इसके 4, इसके 1, तो काउंट कर लो 4, 6 और 2, 8, टोटल कितने स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होंगे हमारे, 8 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होंगे अगर इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स बोलेगा तो। क्लियर होगी बात, तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं, बस बेसिक अगर आपके पास नॉलेज है तो क्वेश्चंस को बहुत इजीली आप लोग सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो इस सेगमेंट के अंदर जो ये वाला पेपर है हमारा 3rd September का मॉर्निंग शिफ्ट का, इसके अंदर मेरे पास अभी इतने ही क्वेश्चन अवेलेबल हैं फिलहाल, तो मैंने इतने क्वेश्चन के आपको डिस्कस करा दिए हैं। बाद में और क्वेश्चन अगर मुझे ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएंगे तो मैं बाकी क्वेश्चंस का भी आपको डिस्कशन करा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग देखो, और हम मिलते हैं अपने इसके इवनिंग शिफ्ट, हमारा 3 September का मॉर्निंग शिफ्ट का हो गया पेपर, इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन पेपर के अंदर हम मिलने वाले हैं थोड़ी देर में, ठीक है। थैंक यू।